हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इंडियन बाइट्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शाम की चाय के साथ, या फिर आप इसको बोल सकते हैं इवनिंग स्नैक की रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी से और बहुत ही झटपट बनने वाले पोहे के कटलेट। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही डिलीशियस लगते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पोहे के कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें पोहे को भिगाना है, और इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ मैंने एक छन्नी ले ली है और उसमें मैंने यहाँ पे 2 कप पोहे लिए हैं। मैंने यहाँ पे पतले पोहे का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो जो रेगुलर मोटा पोहा आता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से मैं एक बार इसको पोहे को धो लूंगी। तो यहाँ मैंने पोहे को अच्छी तरह से धो लिया है और अब हम इसको दूसरे एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ मैंने दूसरा एक बोल ले लिया है और इसमें मैं जो हमने पोहे धोए थे मैं उसको डाल दूंगी। और पोहे अभी बहुत ही ज्यादा थोड़े थोड़े ड्राई हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा भी पानी डालूंगी। बहुत हल्का सा पानी डालना है, ज्यादा पानी नहीं डालना। अच्छी तरह से एक बार हिला दूंगी और अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि पोहे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके हैं और पोहे अच्छे से भीग चुके हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमें इसमें कुछ चीजें मिलानी है। तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज का उबला हुआ आलू लिया है, उसको मैं ग्रेट करके डाल दूंगी। आप चाहे तो इसको मैश करके भी डाल सकते हो, लेकिन ग्रेट करने से बहुत ही स्मूथ सा इसका डो बनेगा। मैश करने से बड़े बड़े मोटे चंक्स रह सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। तो यहाँ आलू को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें बाकी की चीजें मिलाएंगे। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। आप इस रेसिपी को बिना प्याज के भी बना सकते हैं, ये उतनी ही डिलीशियस लगती है। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ली है। हरी मिर्चें अगर आप ज्यादा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो रोस्टेड मूंगफली होती है, भुनी हुई मूंगफली को मैं डाल रही हूँ उसका पाउडर बना के, 3 टेबलस्पून मैंने लिया है। और कुछ कड़ी पत्ते, 8 से 10 कड़ी पत्ते लेने हैं और इनको मैं हाथों से ही इस तरह से तोड़ के डाल रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया। तो अब आती है बारी मसालों की। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, आप चाहें तो थोड़ी ज्यादा भी ले सकते हैं। और नमक स्वाद के अनुसार हम लेंगे। तो मैं यहाँ पे 1 प्लस और आधी चम्मच, 1.5 चम्मच में नमक का इस्तेमाल करूंगी। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अनारदाना 1 टीस्पून। इसकी जगह आप आमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो। और अब हमें इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसको अच्छी तरह से इकट्ठा करके इसको कंबाइन कर ले। और आप चाहें तो ये प्रोसेस आप हाथ से भी कर सकते हो, हाथ से बहुत अच्छे से होता है। और अच्छी तरह से मिक्स करके इसका डो जैसा एक बना लेना है। तो चलिए यहाँ पे एक डो जैसा मैंने बना लिया है और डो हमारा रेडी हो चुका है। अब हमें इसकी टिक्की शेप देनी है या फिर कटलेट की शेप देनी है, जिसके लिए मैंने हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लिया है। और यहाँ पे अब मैं एक छोटा सा पोर्शन ले लूंगी। आपको जितने बड़े कटलेट्स बनाने हैं उतना आप पोर्शन ले लें और इस तरह से हाथों के बीच दबाते हुए इसे कटलेट का हम शेप दे देंगे। तो यहाँ मेरा एक कटलेट बनके रेडी हो चुका है। मैंने एक टिक्की बना ली है इस तरह से, और इसी तरह से हम सारे कटलेट्स बना लेंगे। तो यहाँ मैंने सारे कटलेट्स बना के रेडी कर लिए हैं और अब हम इन्हें शैलो फ्राई करना है। तो शैलो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन को गरम किया है। आप चाहो तो डीप फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे शैलो फ्राई कर रही हूँ। और अब मैं इसमें डाल दूंगी ऑयल
ऑयल को हमें मीडियम हॉट अच्छे तरीके से गरम करना है, तेल अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे तेल गरम हो चुका है और इसमें अब हम अपनी सारी टिक्कियों को डाल देंगे। और यहाँ मैंने सारी टिक्कियों को डाल दिया है और अब हम इन टिक्कियों को एक तरफ से 3 से 4 मिनट तक या जब तक कि इस पे ब्राउन सा क्रस्ट नहीं हो जाता आपने तब तक इसको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मेरी एक साइड टिक्कियां रेडी हो चुकी हैं और इनको हम बहुत ही केयरफुली पलट देंगे, बहुत ही सावधानी से पलटें और तेल का टेम्परेचर मीडियम हॉट होना चाहिए। और दूसरी तरफ भी मैं इन्हें 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ दूसरी तरफ भी टिक्कियां पक चुकी हैं और अब इन्हें हम टिश्यू पेपर पे या फिर आप किचन टॉवल पे इसे निकाल दीजिए ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो यहाँ मैंने टिक्कियों को निकालना शुरू कर दिया है और इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। तो यहाँ तैयार है पोहे के कटलेट्स, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाले। हल्की फुल्की भूख के लिए एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।